गुरु रंधावा, यूयो हनी सिंह और दिव्या खोसला कुमार स्टारर, गाना डिजाइनर, अपनी रिलीज के बाद से ही चार्ट बस्टर्स पर राज कर रहा है और दर्शकों को भी काफी पसंद आ रहा है। गुरु रंधावा ने गाने के बोल लिखे हैं और हनी सिंह ने सिग्नेचर रैप लिरिक्स दोनों ने मिलकर गाने को कंपोज किया है। गाने का निर्देशन मिहिर गुलाटी ने किया है और टी सीरीज ने इसे प्रोड्यूस किया है। डिजाइनर कुछ ही समय में 48 मिलियन से अधिक बार देखा गया है और वर्तमान में YouTube पर #3 पर ट्रेंड कर रहा है। गाने के मेकर्स ने गाने की सक्सेस पार्टी का आयोजन किया था। इवेंट में यूयो हनी सिंह, दिव्या और गुरु रंधावा ग्लैमरस आउटफिट में पहुंचे। मीडिया के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र के दौरान दिव्या का कहना था, आई डू वेरी लेस म्यूजिक वीडियोस। आई थिंक मैंने लास्ट जो किया था 1.5 ईयर पहले किया था, बट व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग आई फ्रीक्ड आउट। आई वाज लाइक वाओ, व्हाट अ सॉन्ग, यू नो, एंड व्हाट टैलेंट। आई मीन हनी इज सो टैलेंटेड, गुरु इज सो टैलेंटेड, सो इट वाज अमेजिंग फॉर मी। And the video is so beautiful. Our director Mihir ji has shot it so well. So I'm so happy that I'm a part of it. इसके बाद दिव्या का कहना था, I mean my costumes were very difficult. ये जो outfit है वो metal का था, so it was poking me everywhere. I couldn't sit for 7 hours. और बहुत सारे bruises और झरीटे इधर उधर skin पे लग गई थी. But it's all part and parcel. और उसका result सामने है कि नहीं? गाने पर गुरु रंधावा और दिव्या के साथ काम करने पर यूयो हनी सिंह ने कहा, क्या कहूँ, सबसे पहले मैं गुरु रंधावा की तारीफ ये करना चाहूँगा कि सिंगर से ज़्यादा बहुत बेहतरीन इंसान है और बहुत ग्राउंडेड ह्यूमन बीइंग है। और जब मैं इनसे मिला पहली बारी 2022 में, हमने हैंग आउट किया 20 में, सॉरी, तो हमने कुछ ऐसा सोचा कि लेट्स डू समथिंग टुगेदर। फिर लॉकडाउन में इन्होंने मुझे इस गाने के वोकल्स भेजे और मैंने ये गाना सिर्फ 1 घंटे में बना दिया था। One hour में बनाया गाना भाई ने। So ये गाना मेरे हिसाब से इंटरनेशनल नहीं है, मेरे हिसाब से गाना इंटरनेशनल नहीं है, ये गाना अंतरराष्ट्रीय है। और फाइनली ये गाना बना, फिर उसके बाद हमने गाना कंप्लीट किया और मैंने इसमें रैप किया पूरा और फाइनली हमने शूट किया। दिव्या जी इसमें आई, टी सीरीज ने इस गाने में बिलीव किया एंड फाइनली द सॉन्ग इज हियर एंड एवरीबॉडी इज लाइकिंग इट। गुरु रंधावा ने भी दिव्या और यूयो हनी सिंह की जमकर तारीफ की। मैं फ्रॉम कॉलेज टाइम फैन हूं और मैं ऑलवेज भाई का फैन रहूंगा और मैं चाहता हूं आप सब एक बार हनी भाई के लिए शोर मचाओ। या क्योंकि क्योंकि भाई को मैंने बहुत डिफरेंट लेवल पे देखा है और हर बार नई चीज़ लेके आते हैं और मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरे वोकल्स के ऊपर इनका म्यूज़िक आया और इन्होंने गाने के ऊपर बिलीव करा, इन्होंने वोकल्स को ट्रीट ऐसा करा कि गाना एकदम डिफरेंट सुनने में लगने लग गया। और जब हमने भूषण सर को गाना भेजा, जब हमने कलेबरेशन की बात करी, तो सर हम दोनों को बहुत प्यार करते हैं, हनी भाई को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, मेरे को थोड़ा सा बट हमने वो गाना दे के वो प्यार जो उनका जो करते हैं हमें, उस प्यार को और बढ़ाया। और भूषण सर का थैंक यू इतना बड़ा म्यूज़िक वीडियो हमें बनाने के लिए बनाने देने के लिए। और दिव्या मैम सॉन्ग में आए, सॉन्ग को और 4 चरण लग गए और आई थिंक एवरीबॉडी इन इंडिया इज़ प्रेजिंग हर बिकॉज ऑफ हर लुक्स एंड द वे शी कैरीड हरसेल्फ इन द वीडियो। एक बार मैम के लिए भी क्लैपिंग करो, दिव्या मैम के लिए एवरीबॉडी। और डिज़ाइनर की यहाँ तक बात है, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो गाने को फ्रॉम डे वन, अभी 2-3 दिन हुए रिलीज़ हुए को, बट आप लोग रोज गाने को सुन रहे हो। एक बार डिजाइनर कर दो सारे डिजाइनर। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, वी लुक फॉरवर्ड टू सर्व मोर म्यूजिक टू यू गाइस एंड आपका प्यार ऐसा ही बना रहे ताकि हम और मेहनत करें आप सबके लिए गाना नया बनाने।